भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। विधानसभा चुनाव के मतगणना के बाद नवनिर्वाचित विधायक का उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र की जनता में उनकी जीत को लेकर बहुत उत्साह दिख रहा है। गोंडा जिले के सात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का दोबारा कब्जा हो गया है। इसको लेकर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसी क्रम में गोरा विधानसभा में विधायक प्रभात कुमार वर्मा ने दोबारा शानदार जीत हासिल की है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जीत की सूचना मिलते ही पार्टी समर्थकों ने रास्ते में देर शाम को फूलमाला से कई जगह भव्य स्वागत किया और शुक्रवार की सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और क्षेत्रवासियों का विधायक जी के निजी आवास पर पहुंचकर विधायक जी का फूलमाला से भव्य स्वागत किया और जीत की हार्दिक बधाई दी। साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। विधायक जी ने उपस्थित लोगों को दोबारा सत्ता मिलाने के लिए कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं कि विधायक जी ने किस प्रकार भारत रफ्तार न्यूज टीम से जनता का किस प्रकार से आभार व्यक्त किया है। भैया, विधायक जी जीते हैं और दोबारा जीते हैं, तो आपको किस तरह लग रहा है? सभी के लिए, पूरे गौरा विधानसभा, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उल्लास का विषय है कि हम लोगों ने कर्मयोगी का चुनाव 2017 में किया था। जिस प्रकार से उन्होंने पूरे 5 वर्ष गरीब जनता के लिए, मातृशक्तियों के लिए और सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास की मुहिम को लेकर काम किया, उसी का परिणाम है। और आज के दिन बस मैं सभी लोगों को, पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को, जिन्होंने पूजा अर्चना के माध्यम से, अपनी दुआओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में और सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का कार्य किया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके आवास पे समर्थकों की भीड़ है और लोग खुशियां मना रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज किस तरह लग रहा है? ये हमारा ही घर नहीं, हमारे सभी समर्थकों का, जितने लोगों ने हमारा साथ दिया, विश्वास के साथ हमारे साथ, परिश्रम के साथ खड़े रहे, ये सभी का परिवार है। हम लोग एक परिवार की तरह हैं, तो हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। हमने 5 वर्ष सभी के साथ, सभी की खुशियों में, सभी के घर पर, किसी भी प्रकार का निमंत्रण हुआ हमने उनके घर पर जाने का, सुख दुख में जाने का कार्य किया, तो हम लोग के एक परिवार है, तो ये सब रोज का है। सुनते हैं उनकी जुबानी जीत की कहानी। इस अवसर पर विक्रम वर्मा, प्रधान बनारसी गुप्ता, बबलू वर्मा, प्रशांत कुमार पटेल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज पटेल, जलज पटेल, पंकज पटेल, शैलेंद्र कौशल, श्रीवास्तव सहित गणमान्य व्यक्ति और अधिकांश कार्यकर्ता, पदाधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। विधायक जी, सबसे पहले आपको दोबारा जीत की हार्दिक बधाई, और जनता ने आपको इस पद पर बिठाया, जनता के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है और गौरा विधानसभा की महान जनता जनार्दन की जीत है ये, और योगी जी और मोदी जी के जो गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंची, इसलिए और भारी जीत उत्तर प्रदेश में हुई, क्योंकि सभी चोर, माफिया, गुंडा सब लोग लगे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोध में वो लोग लगे हुए थे, वो ऐसा काम कर रहे थे कि सरकार बदनाम हो जाए, उनको बदनाम करने की हमेशा उनकी नियत रहती है, लेकिन बाबा का बुलडोजर सब पर भारी पड़ा। विधायक जी, आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास पुरुष के नाम से जाने गए और जनता ने साबित कर दिया कि विकास पुरुष वाकई में है, लेकिन अगली जो, मतलब इस कार्यकाल में जो छूटे हैं उसके बारे में, गौरा विधानसभा में जो भी काम अधूरे हैं उन कामों को पूरा करने का काम किया जाएगा। अभी गौरा विधानसभा में बहुत काम है, जैसे राजकीय महाविद्यालय बनाना, अभी जो गांव में, जिन गांव में बिजली बचे हैं, जर्जर तारों को बदलना, कुछ मजरों पर बिजली बचे हैं उनको विद्युतीकरण कराना, जो सड़कें गांव में बची हैं उन सड़कों को पूरा कराना, अभी 32 सड़कों पर काम नहीं शुरू हो पाया है, आज अधिसूचना कल समाप्त हो गई है, उसके बाद उन पर सब पर टेंडर की प्रक्रिया है, टेंडर प्रक्रिया खुलते हैं, उस पर काम शुरू हो जाएगा इस महीने तक, तो इस तरह से अभी बहुत काम बाकी है। एजुकेशन के बारे में सबसे पहला ये कार्यकाल हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को, और जल जीवन मिशन, हर गांव में पानी की टंकी बने, लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो और हर स्कूल अच्छा बना और अच्छा हो, पढ़ाई अच्छी तरह से हो, और सड़कें अच्छी हो गई जो बची उसको और हम लोग ठीक करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क 23 किलोमीटर थी वो बहुत तेज गति से पेंटिंग का काम शुरू हो गया जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि आज तक जिन राजनेताओं ने इन विधानसभाओं पर राज करने का काम किया वो उन्होंने झूठी घोषणाएं की, और हमने वही काम कहा जो हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर
मंजूरी दी उसी को मैंने जनता के बीच में कहा, मैंने कोई झूठा वादा नहीं किया और मैं करूंगा। विधायक जी, आज आपके यहाँ बहुत भीड़ है, समर्थकों में बहुत खुशी की लहर, आपको कैसा महसूस लगा है? अब इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है और भारी अंतर से सरकार बनाने जा रही है। जो एग्जिट पोल था उसी दिन से ये लोग पागल हो गए थे, ये लोग क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया, सारे दांव पे चलते रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।